भागलपुर रेलवे स्टेशन के रेलवे यार्ड के पीछे बनी 80 फीट ऊंची पानी की टंकी में युवक का शव मिला है। हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों लोग उसी टंकी के पानी का उपयोग कई दिनों से कर रहे थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन के रेलवे यार्ड के पीछे पानी की बड़ी टंकी में एक युवक का शव मिला है। कई दिनों से पानी में महक के बाद रेलवे सफाई कर्मी पानी टंकी को साफ करने के लिए जब गए, तब वहां टंकी के अंदर युवक का शव तैरते हुए दिखा। शव देखने से प्रतीत हो रहा है कि यह 5 से 10 दिन पुराना है। हादसे की जानकारी के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। 80 फीट ऊंची पानी की टंकी से शव निकालना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। वहीं मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि युवक की मौत कैसे हुई है। संभावना जताई जा रही है कि उसने टंकी में कूदकर आत्महत्या की है। वहीं अब सवाल ये भी उठ रहा है कि तमाम सुरक्षा के बाद भी युवक पानी की टंकी पर कैसे चढ़ा। पानी पूरा मतलब रेलवे में जाता है, सप्लाई होता है, तो जब देखा गया तो ऑटोमेटिक उसके अंदर में कुछ बॉडी साइन पड़े हुए हैं, तो सूचना देने सारा रेलवे वाले सब आए देखे जांच के, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं हुआ कैसे उसके अंदर बॉडी गया और कैसे ये हुआ है, ये अभी कोई सूचना नहीं हुआ। हाँ, अभी पूरा जारी है निकालने, टीम आ रही है, पूरा सब रेलवे के सब जितना है पदाधिकारी सब आ रहे हैं कि कैसे ये बॉडी गया, कैसे ये खुला है ऊपर, जो ये कैसे आदमी चढ़ गया और कैसे स्पॉट कर गया उसके अंदर। पानी कहाँ कहाँ जाता है? पानी पूरा मतलब रेलवे में सप्लाई होता है। बंद कर दिया गया? जी, बंद कर दिया गया सर।